हेलो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एसएससी जीडी। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी भरे हैं उसके लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि एसएससी ने एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर चुके हैं। तो चलिए एडमिट कार्ड देख लेते हैं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, चलिए देखिए, यहाँ पर आप जाइएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन अभी जो सेंट्रल रीजन का है, जो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, सेंट्रल रीजन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, आज हो जाएगा। आज शाम तक या रात तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी जितने भी जोन हैं, और एक है कि दिल्ली नॉर्थन रीजन के, दो रीजन के अभी नहीं हुए हैं। बाकी जितने भी रीजन हैं, अदर रीजन और MPR रीजन, सभी रीजन का आ चुका है एडमिट कार्ड। सिर्फ दो रीजन का अभी नहीं आया है, अपडेट कर देगा। आज शाम तक या रात तक आपका ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, आपका यहाँ पर जाना है। और देखिए URL दिया हुआ है, आप जो रीजनल वाइज वेबसाइट है आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ईस्टर्न का है, कर्नाटका का है, साउथर्न का है, वेस्टर्न का है, सभी जगह का है। हम रीजनल सेंट्रल रीजनल पर मारे हैं। सो उसके बाद आपको ये आ जाएगा, खुलेगा, उस पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, खुल रहा है आपका। देखिए दोस्तों, जिसके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर फिलअप कीजिए, डेट ऑफ बर्थ। और जिसके पास नहीं है वो आप नाम और डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कीजिए। उसके बाद आप डाउनलोड ई एडमिट कार्ड लिखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहें।